अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फैसल अख्तर और आप मेरे साथ ऑन माई यूट्यूब चैनल द क्रिकेटिंग माइंड। मैं यहाँ आज लाहौर में हूँ और लाहौर में क्रिकेट एकेडमी क्रिकेट इंस्टीट्यूट में मौजूद हूँ। सो ऑन द डिमांड चले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन भी प्रॉपरली करा दूँ। आई एम फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर एंड लेवल 3 कोच। सो यहाँ पे गिग एकेडमी को मैंने ज्वाइन किया है एज अ कोच एंड वर्किंग एज अ कोच। सो डिवेलपमेंट प्लेयर्स डिवेलपमेंट प्रोग्राम का हिस्सा भी हूँ, यूथ डिवेलपमेंट प्रोग्राम्स। एंड इसके अलावा बड़े लड़कों के साथ भी हमने सेशन करते हैं, जैसे आज हमने सेशन किया, नेट सेशन था बड़े लड़कों के साथ। सो यहाँ आकर मैं बहुत खुश हूँ, जिस तरह का माहौल है, जो एनवायरनमेंट है, जो एटमॉस्फेयर है, क्रिकेट कल्चर है, एक्सीलेंट है और मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा हूँ इसको। बीइंग एज अ कोच हमारा फोकस यही होता है कि प्लेयर्स एनहांस हो, उनकी परफॉर्मेंस एनहांस हो, वो ग्रो करें, अच्छी हैबिट्स डेवलप हो उनकी और वो अपने आप को फन एंड चैलेंजिंग के थ्रू एनहांस करें। सो उनको फन एंड चैलेंजिंग भी करते हैं। लेकिन दो टाइप की कोचिंग के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो दो टाइप की कोचिंग है। एक्सप्रेसिव कोचिंग जो यूथ में करना पड़ती है, डिफाइन करना पड़ता है डिटेल में, शॉट मेकिंग हो या बॉलिंग हो या फील्डिंग हो। और इसके साथ जो बड़े लड़कों में अगर आप काम करते हैं तो इम्प्लिसिट कोचिंग होती है, जहाँ पे आप क्लूज देते हैं और उनको थोड़ा सा गाइड करते हैं या थोड़ा सा उनको चैलेंज करते हैं एंड दे एडजस्ट अकॉर्डिंगली। सो हमने आज नेट में ये कोशिश की है कि उनको हम चैलेंज करें और वो एक सर्टेन वे ऑफ प्ले उनका ना हो, उसमें वेरिएशन हो, कभी एग्रेसिव मूड हो, कभी डिफेंसिव मूड हो, इसी तरह से हम चलते हैं ताकि माइंडसेट उनका फिक्स ना हो। क्योंकि जब कंडीशंस अंदर जाते हैं मैचेस में तो कहीं गीली पिच होती है, कहीं बैटिंग ट्रैक्स होते हैं, कहीं बॉलिंग फ्रेंडली कंडीशंस होती हैं। सो अडेप्टेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बैट्समैन एंड द बॉलर एज वेल। जब बात बैटिंग की होती है तो उसमें कॉन्स्टेंट वैल्यू है वॉच द बॉल। इसी तरह जब हम फील्डिंग करते हैं तो उसमें भी कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है टू वॉच द बॉल। यानी बैट्समैन को भी हम देखते हैं कि उसका उसके मूवमेंट पैटर्न्स कैसे हैं, तो किस तरफ शॉट खेलेगा। तो प्रोएक्टिवली आप रेडी हो जाते हैं ताकि उसके उससे आपका रिस्पॉन्ड अच्छा हो जाता है। इसी तरह जब बैटिंग हम कर रहे होते हैं टू वॉच द बॉल एंड रीड द क्लूज और प्ले अकॉर्डिंग द कंडीशन। सो उससे आपका बैटिंग भी बड़ी कंट्रोल हो जाती है और जाहिर है जब आप बॉल को देखते हैं उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड करते हैं। सो दीज आर द थिंग्स एंड गिग क्रिकेट इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड इन लाहौर एंड इन फेस डिफेंस फेस 6। सो आई एम रियली वेरी इंजॉइंग। ये कुछ सेशन से कुछ लड़कों से भी बात की हमने तो बहुत मैंने भी इंजॉय किया, इंजॉय स्टिल कर रहा हूँ। वो कि मेरी तबीयत ख़राब है लेकिन फिर भी जब भी ग्राउंड में हम आते हैं प्लेयर के साथ इंगेज होते हैं तो इट गिव्स मी अ एनर्जी। क्योंकि हम लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो ग्राउंड्स में गुजरा है, तो ग्राउंड में ही आकर हमें एनर्जी मिलती है। एंड दिस इज़ आवर स्ट्रेंथ एंड हाउ वी रिलेट द प्लेयर्स एंड मेक हिम अंडरस्टैंड। ये कोच की इफेक्टिव कोचिंग की एक बेस होती है। फिजर आए बैटिंग पे एंड ही स्टार्ट प्लेइंग, इज गुड प्रॉमिसिंग प्लेयर, इज आल्सो फ्रॉम हैदराबाद एंड नाउ ही इज प्लेइंग इन गनी इंस्टीट्यूट। वेरी वेल, गुड शॉट, कट शॉट मारा है इन्होंने। बैलेंस स्टांस नज़र आ रहा है, हेड स्टेडी है, ग्रिप अच्छा है, बेस अच्छी है इनकी एंड इज पिकिंग द बॉल एज वेल ऑन द फ्रंट फुट। वी विल सी फर्दर व्हाट ही डू एंड इज पिकिंग द बॉल और शॉर्ट पिच बॉल्स एज वेल। गुड शॉट खिजर, वी आर लुकिंग फॉर सिंगल्स and defensive approach, lovely, singles ke liye khelna hai, bat andar body mein rakhna hai, excellent, shabash,
ਸਾਰ ਸਾਰੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਆ ਮਿਲੇਗਾ सो लास्ट राउंड है खिजर का, देखना है लास्ट राउंड में क्या करते हैं, क्या ये ऑब्जेक्टिव पे रहते हैं जो इनको दिया गया है, या ये उसी तरह खेलते हैं जैसे ये खेलते आ रहे हैं। सो जो चैलेंज है उसको कितना ले रहे हैं ये, वी वांट टू सी दिस। ही कैन हिट द बॉल फॉर सिक्सेस। ब्यूटीफुल शॉट, एक्सीलेंट बैलेंस और कदमों का बहुत ज़बरदस्त इस्तेमाल किया है, बॉल के ऊपर पहुंचे और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेले, एंड लवली ड्राइव, गुड ट्रांसफर ऑफ द वेट, बॉल पर नजरें, बैलेंस भी है और सिंगल के लिए भी इजी खेल रहे हैं। सो मिक्स एग्रेसिव एंड कंट्रोल चैनल अप्रोच इन द बैटिंग। Off, very well played. Saeed is batting and playing very well and playing late and picking the line and length of the ball, and iska bat hamesha 45 par aata hai to play late, and pick bhi bahut achha karte hain for ball, because early on hamari baat hui ki stance mein thoda tight the, uske baad thoda relax hue, and he is responding very well. और अच्छी चीज़ ये है कि बॉल को रीड अच्छा कर रहे हैं एंड बैलेंस हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि फास्ट बॉलर्स को फ्रंट फुट पे भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं। और थोड़ा पीछे बॉल को भी लेट खेल रहे हैं, बॉडी के अंदर ही रखते हैं बैट को। दिस इज़ द क्वालिटी, बैलेंस बहुत अच्छा है इनका, एंड इज पिकिंग द line and length very well. The spinners go very well done, back foot pe bhi bahut acha khelte hain spinners, bhi dekhna hai footwork kya nikal ke bhi acha khel lete, very well done. Nicely balanced, aur shot bana bhi lete hain, very good. Ahmed is playing in the net now. Acha khel rahe hain, grip inki thodi si different hai, change hai, bat pe control kafi hai, back foot pe acha khel rahe hain, leave bhi kar rahe hain. Dala dobara aa ja, back foot punch inka kafi acha hai, mujhe lagta hai inki strength hai, बॉडी के अंदर बॉल हो तो बहुत अच्छा कंफर्म कनेक्ट करते हैं। इनिशियल मूवमेंट भी है इनकी बैटिंग में, जैसे बॉलर अप्रोच पे आता है तो बैक अक्रॉस जरूर जाते हैं ये, एंड उधर ही खेलते हैं, इसका मतलब ये है ही इज़ गुड ऑन बैक फुट शॉट्स। सो अब ये लास्ट राउंड है इनका, और थोड़ा सा इनको गो दिया है, देखते हैं कि ये फास्ट बॉलर्स पे किस तरह, इनके पास कितने ऑप्शन हैं। बैकफुट पे बहुत ज़ोर से मारते हैं क्योंकि पावरफुल है,
दोनों हाथों के बीच में गैप है, इसलिए बैट कंट्रोल बहुत अच्छा है। तो ऑफ स्टंप की लाइन के ऊपर इनको ज़रा काम करना है। इज़ अ गुड शॉट, कदमों का इस्तेमाल भी अच्छा है इनके पास। वेल प्लेड, सिंगल के लिए एडजस्ट करो इसको। हाँ ठीक है, सिंगल के लिए खेल लिया करो इसको। वेल डन, वेरी वेल प्लेड अहमद। गुड शॉट, ब्यूटीफुल। यहाँ पे हम माइंड सेट बना रहे हैं, बैटिंग कैसे होगी, तुम अपन बैटिंग मैच में आपने यूँ खेला, प्लीज लेजी छुट्टी गाय। सो नेट में आए, प्रॉपर नेट हो रहा है, कंडीशंस को रीड करो एंड प्ले प्रॉपरली। अब यहाँ पे आगे ये डिफेंसिव हो गया, 45 डिफेंसिव हो गया, यहीं से ये पुश हो गया, टाइम को थोड़ी थोड़ी करो पूरा जो बॉल को अच्छा खेल लेता है, डिफेंस खेल लेता है, वो अटैक कंडीशन अलाउ नहीं कर रही। अभी ये खुश होता ना, हमारी ऐसी लगती टास टास टास, पता था कि यार ये बॉल सही आ रही है, ट्रू बाउंस है, बाउंस का भी पता है, पेस का भी आइडिया हो रहा है। सो इसी तरह हम चलते जा रहे हैं और काम करते जा रहे हैं और उम्मीदें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं और गोल्स को हासिल करते जा रहे हैं। सो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।